माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउस सेफ्टी अलार्म। ये एक एप्लीकेशन है गेट्स की, लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं नैंड गेट को और हाउस सेफ्टी अलार्म बनाते हैं। हाउस सेफ्टी अलार्म का क्या सर्किट डायग्राम है, किस तरह से वो काम करती है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और वो है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है और इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है, ये हमारे माइंड में होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नैंड गेट से। ये हमारे पास एक नैंड गेट है। नैंड गेट आप देख सकते हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल, ये एंड का अपोजिट होता है, यानी एंड गेट के सामने नॉट गेट लगा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, नैंड गेट। एंड गेट क्या करता है, जब तक सारी की सारी इनपुट इसकी वन नहीं होती, आउटपुट वन नहीं मिलती। यहां पे देखिए, इसमें सिर्फ ये एक केस है जहां पर दोनों इनपुट इसकी हाई होती हैं तो ये वन आउटपुट देता है, और आगे क्योंकि इसके सामने ये नॉट गेट लगा हुआ है, इन्वर्टर है, वो उसको जीरो कर देता है। तो हमें बस अभी ये समझना है कि नैंड गेट एक ऐसा गेट, ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें आपको हाई आउटपुट या वन तब मिलेगी जब कोई एक जीरो होगी। देखिए, इन दोनों में जीरो है तो वन मिली, इसमें ये जीरो है तब भी इनपुट वन मिली, इसमें ये जीरो है तो आउटपुट वन मिली, जब दोनों वन होगी तो आउटपुट मिलेगी जीरो। नैंड गेट के अंदर कोई एक इनपुट भी अगर लो होगी तो आपको आउटपुट के ऊपर मिल जाएगी वन। फिर सुने, नैंड गेट आपको कब मैक्सिमम आउटपुट या हाई वन देगा, जब उसका कोई एक टर्मिनल जो है वो लो वोल्टेज पे होगा या जीरो पे होगा, लो सिग्नल एक साइड पे, यानी चाहे इधर जीरो आ जाए तभी आपको यहां पर वन मिलेगा, चाहे इधर जीरो आ जाए, कोई एक इनमें से जीरो आएगा तो आपको वन मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों वन हुए तो फिर आपको यहां पर जीरो मिलेगा। तो ये बात आपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लें कि दो इनपुट में से कोई एक भी अगर लो इनपुट हो गई तो फिर आपको आउटपुट वन मिलेगी। ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन को पहली हेडिंग कंस्ट्रक्शन की होगी, इसमें एक स्विच इस्तेमाल होगा, एक नैंड गेट इस्तेमाल होगा, इसके अलावा एलडीआर इस्तेमाल होगा। एलडीआर क्या है, आपको डिटेल से बताता हूं। रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी, एक अलार्म इस्तेमाल होगा और पावर सप्लाई, ये छह कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप देखें, ये हमारे पास नैंड गेट लगा हुआ है, नैंड गेट के साथ ये वो सेटअप जो है, हम अलार्म की बात कर रहे थे, ये वो अलार्म है, ये रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, ये स्विच एस है, ये एलडीआर और ये पावर सप्लाई। ओके, तो एलडीआर क्या होता है, एलडीआर स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जिसकी रजिस्टेंस लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखें, एलडीआर दो तरह से बिहेव करता है, कभी बहुत हाई रेजिस्टेंस हो जाती है इसकी, कभी बहुत लो हो जाती है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही होती है इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्या है लाइट के अंदर जो इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, तो लाइट एनर्जी है, जब इसके ऊपर पड़ती है एनर्जी मिलती है एटम्स को, तो वो एटम्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो उससे एटम को छोड़ के फ्री हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास एलडीआर होता है उसके एटम्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा फ्री हो जाते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है तो वो ज्यादा करंट फ्लो कराते हैं और उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस लो हो जाती है। तो आप इतना याद रखें कि जब लाइट पड़ती है एलडीआर के ऊपर तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लो हो जाती है। जब लाइट इंटरप्ट हो जाती है, उसके सामने कोई और ऑब्जेक्ट आ जाता है, अब लाइट डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं पड़ रही, किसी और सर्फेस के ऊपर पड़ रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर एलडीआर की रेजिस्टेंस हो जाती है हाई। ओके, तो एलडीआर हाई रेजिस्टेंस कब देगा, जब लाइट इंटरप्ट हो जाएगी। लो रेजिस्टेंस कब देगा, जब उसके ऊपर लाइट कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। ओके, अब इस तरह इस सर्किट डायग्राम को देख लें, उसके बाद फिर ये दो केसेस हैं, दोनों में आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल, ये दोनों की दोनों बैटरी के हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये देखें, दोनों को एक जैसा पोटेंशियल मिल रहा है, तो यहां भी इनपुट हाई मिलेगी, यहां भी इनपुट हाई मिलेगी, यानी इधर भी वन मिलेगा, इधर भी वन मिलेगा। जब दोनों तरफ इसको वन वन मिलेगा, इधर भी वन और इधर भी वन, ए पर भी और बी पर भी, तो जब दोनों वन वन होंगी तो आपको एलडीआर, ये जो यहां पर जो इसका नैंड गेट लगाया है हमने, वो क्या आपको आउटपुट देगा, जीरो देगा, आउटपुट नहीं मिलेगी हाई।
ओके, तो अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन जब इनमें से कोई एक लाइट जो है वो, या कोई एक सिग्नल जो है वो वीक हो जाए, लो हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, जीरो। कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो फिर क्या होगा, आपको यहां पर आउटपुट वन मिलेगी और अलार्म चलेगा। अब दो केसेस हमारे पास, उनको जरा गौर से देख लें। पहला केस क्या है, केस नंबर वन, व्हेन द लाइट इज इंटरप्टेड LDR will cause a low level input zero at the point B because of its high resistance. अब देखिए जरा गौर से देखें, ये टर्मिनल जब लाइट पड़ रही थी इसके ऊपर, लाइट पड़ रही थी ऐसे, इसकी रेजिस्टेंस लो है, ये भी एक बहुत स्मॉलर रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो तकरीबन तकरीबन ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो जाती हैं, तो दोनों क्योंकि एक ही पॉजिटिव से जुड़े हैं तो दोनों को एक जैसी हाई वोल्टेज मिलती है, इधर भी हाई इधर भी हाई, तो यहां पर अलार्म नहीं बजता। लेकिन जैसे ही एलडीआर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जैसे बर्गलर है, हमने एक लाइट फेंकी थी, जैसे ही बर्गलर डोर पे आता है तो कहीं किसी तरीके से लाइट को वो डिस्टर्ब कर देता है। जब से लाइट इंटरप्ट होती है, लाइट के इंटरप्ट होने से क्या होता है, एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब इधर से रेजिस्टेंस कम है, इधर रेजिस्टेंस बढ़ गई है, इधर रेजिस्टेंस कम है तो इधर एक हाई लेवल का यहां पर सिग्नल मिलेगा वन, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है, इधर लो लेवल का सिग्नल मिलेगा जीरो, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, तो इधर हाई सिग्नल मिला, इधर लो सिग्नल मिला, हाई और लो, एक वन और एक जीरो, कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो आउटपुट वन मिलेगी। देखें कोई एक भी जीरो है, ये वन ये जीरो, तभी आउटपुट वन मिली है, अगर ये जीरो ये वन हो तभी आउटपुट वन मिली है, तो यहां पर आउटपुट वन मिलेगी और ये अलार्म जो है वो बजना शुरू कर देगा। दूसरा केस क्या है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि लाइट को इंटरप्ट नहीं किया बगलर ने, लाइट इसी तरह से पड़ रही है इसके ऊपर। अब एक और भी ऑप्शन है, आपने कहीं सीढ़ियों में कहीं ये एक स्विच लगाया हुआ है, या कहीं डोर में, या कहीं विंडो में कहीं आपने स्विच लगाया कि जैसे ही वो विंडो को ओपन करेगा या सीढ़ियों के ऊपर आएगा, किसी तरह भी जहां पे आपको डाउट हो कि यहां पे आ सकता है, वहां आपने स्विच लगाया हुआ है, जैसे ही उसका पॉइंट स्विच के ऊपर आता है तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। दूसरा केस हमारे पास है, फिर क्या होगा, अ लो लेवल सिग्नल विल आल्सो काज एट द पॉइंट ए व्हेन द स्विच एस इज ऑन, जब स्विच एस ऑन हो जाएगा तो यहां पर एक लो लेवल सिग्नल आएगा। अब वो कैसे लो लेवल सिग्नल आएगा, ये बात बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर लो लेवल सिग्नल आ गया। पहले स्विच ऑफ था, तो अब करंट के पास यहां से एक ही रास्ता था, यहां से होके इधर से यूं आता था, लेकिन जब आपने स्विच को ऑन कर दिया, अब ये स्विच ऑन हो गया। देखें अब करंट यहां से यूं जाएगा, इधर से फ्लो करता हुआ, एक तो ये रास्ता है इसके पास, दूसरा ये रास्ता है, पैरेलल हो गया करंट, तो अब इसके पास कुछ इस तरफ को और कुछ इस तरफ को चला जाएगा करंट, यानी डिवाइड हो गया। अब इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो है तो करंट की एक लार्ज अमाउंट जो है वो यहां से पास कर जाएगी, इस पे से पास करके आएगी नहीं, क्योंकि देखिए जब इधर से आएगा उसको इस रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस। तो याद रखें करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, ऐसे रास्ते से चलेगा जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस हो। अब इस रास्ते पे अगर आगे चलेगा तो इधर रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहां से इधर आएगा तो एक और उसके पास मिल गया। पहले तो स्विच ऑफ था, नहीं आ सकता था, अब स्विच ऑन कर दिया स्विच चोर ने, जैसे ही बर्गलर ने इसके ऊपर पांव रखा, अब यहां से करंट इधर जाने की बजाय यहां से इधर आ जाएगा, तो यहां पे आपको लो लेवल का सिग्नल मिलेगा। जब यहां पे आपको लो लेवल का सिग्नल मिलेगा तो इधर तो लाइट इंटरप्ट नहीं हुई, लाइट तो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर पड़ रही है, यहां पर आपको वन मिलेगा, ये जीरो ये वन, तो फिर से मैंने क्या बताया था, जीरो वन या वन जीरो दोनों सूरतों के अंदर यहां पर आउटपुट आपको हाई मिलेगी। तो यहां से फिर बर्गलर को बर्गलर अलार्म जो है वो बजना शुरू हो गया। तो फिर से सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए पहले केस में क्या हुआ था, लाइट इंटरप्ट हुई थी, ये दोनों एक ही टर्मिनल बैटरी के कनेक्टेड है, बैटरी के हाई पोटेंशियल से दोनों को तकरीबन सेम पोटेंशियल मिल रहा था, इधर भी वन थी इधर भी वन थी, दोनों तरफ वन और वन थी, वन वन। क्या हुआ, हमने लाइट को इंटरप्ट कर दिया, बर्गलर ने सॉरी लाइट को इंटरप्ट कर दिया किसी भी तरह से। जैसे लाइट इंटरप्ट हुई तो लाइट के इंटरप्ट होने से क्या हुआ, अब एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ गई है। जब एलडीआर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसकी तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ी, इसको तो हाई मिल रहा है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसको अब लो मिलेगा। यहां से कम लेट सपोज अगर करंट की बात करते हैं, इधर से ज्यादा फ्लो करेगा, इधर से कम फ्लो करेगा, इधर रेजिस्टेंस हाई हो गई है,
तो यहां पर लो को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई को वन से। पहले वन वन थी, अब इधर वन तो इधर जीरो हो गई। जब इधर वन और इधर जीरो हुई तो एक भी इनपुट अगर जीरो हो गई इसमें से या लो हो गई तो क्या होगा, यहां पे आउटपुट में वन मिलेगा और जो बगला अलार्म है वो बजने शुरू कर देगा। सेकंड केस में क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है, दोनों को वन वन मिल रही थी, वन वन लाइट इंटरप्ट नहीं हुई इस बार। इस बार क्या हुआ, ये स्विच जो है पहले ऑफ था अब ऑन हो गया। जैसे ही स्विच ऑन हुआ बर्गलर ने कहीं इसको प्रेस कर दिया, कहीं उसके पांव के नीचे आ गए, किसी भी तरह से। जैसे ही स्विच ऑन हुआ अब करंट के पास दो रास्ते हैं, इधर वाला करंट तो इसको मिल रहा है, हाई वोल्टेज दे रहा है इसको, हाई सिग्नल दे रहा है इसको, लेकिन जो ये वाला है अब इसके पास दो रास्ते हैं, करंट इधर से इधर भी आ सकता है, करंट इधर से होकर इधर भी आ सकता है। इधर रेजिस्टेंस लगी हुई है, इधर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, तो करंट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से फ्लो करता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करके इधर जाएगी, तो उससे क्या होगा, इधर फिर एक लो सिग्नल मिल जाएगा आपको, ए पे जीरो मिलेगा तो बी पे वन, ऑलरेडी क्योंकि ये तो हाई मिल रहा है आपको, तो फिर क्या होगा, ये बगला अलार्म बजने शुरू कर देगा। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।